दोस्तों नमस्कार, आप मेरा मोटिवेशनल चैनल वाई बी एन वाई देख रहे हैं। दोस्तों मैं नई नई बात आपको बताता रहता हूं ताकि आपके अंदर में जिज्ञासा और जागृति आए और क्या देश विदेश के अंदर में घटना घटित हो रही है वो आप जाने। एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम के आवाज को बुलंद करने वाले बिहार के सबसे दमदार शख्सियत राजघराना से भी ज्यादा ताकतवर जनता के बल पर कहे जाने वाले शेर लालू प्रसाद यादव एवं उनके परिवार के लोग आज संकट से घिर चुके हैं। दोस्तों मैं और भी बहुत सारी बात बताने जा रहा हूं। आप मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन दबाकर जो फ्री है। लालू जी क्या जेल गए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और क्या लालू जी के पत्नी राबड़ी देवी और बेटा विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जेल जाएंगे? अब आप सोचो कि बिहार के जनता के बीच अपनी आवाज रखने वाले दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों की आवाज को बुलंद करने वाले लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार संकट में गिर चुके हैं। 1990 में जब सरकार उनकी बनी तो उन्होंने दमदार एंट्री कर एक प्लेटफार्म पर पिछड़ों दलितों और अल्पसंख्यकों को लाने का काम किया और उन्हें अधिकार दिलाया और उन्हें मौलिक अधिकार की जानकारी दी और उन्हें अपने अधिकार के मुताबिक बोलने की, अंदर से शक्ति पैदा करने की उन्होंने भावना लोगों में जागृत किया। फिर राजनीतिक घटनाक्रम में लालू प्रसाद यादव जैसे शख्सियत को दबाने के लिए तरह तरह का प्रपंच रचा गया और प्रपंच रचकर ब्यूरोक्रेट्स ने प्रपंच रचकर इन्हें पशुपालन घोटाला में फंसाने का काम किया, जिसके कारण आज वो सजा याफ्ता हो गए हैं। उसके बाद परिवार के अन्य लोग राजनीति क्षेत्र में आवाज बुलंद करने लगे तो उन्हें रेलवे घोटाले में फंसा दिया गया। क्या है ये, एक परिवार एक व्यक्ति को राजनीति से बाहर करने के लिए इतना गंदा खेल? आज पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों आदिवासियों की आवाज उठाने की इतनी बड़ी सजा? आज मैं उन दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों और आदिवासियों से पूछना चाहता हूं कि क्या गलती की लालू यादव और लालू यादव के परिवार के लोग जो आज उन्हें एक अपराधी के तरह सजायाफ्ता बना दिया गया? आज वो रांची जेल गए, फिर उन्हें इलाज के लिए कोर्ट के आदेश के मुताबिक रांची अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। क्यों चुनाव आने से पहले पत्नी बच्चा सहित सारे लोगों को फंसाने की क्यों हड़बड़ी है? क्या राजनीति है, क्या हो रहा है ये देश में? विरोध में बोलो तो जेल जाओ, अपनी बात करो तो मार खाओ, अगर अपनी आवाज बुलंद करो तो साजिश का शिकार बनो। जनता से मैं कहना चाहता हूं कि दलित पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी एक प्लेटफार्म पर थे, लालू जी ने हुंकार भरा था, एक प्लेटफार्म पर थे, लोगों को बुरा लगा, भूरा बाल साफ करो का नारा उस वक्त चला था,
ये भूरा बाल जो थे उन्होंने फिर राजनीति किया और दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के बीच में फूट डालने का काम किया और आज आवाज को दबाने का काम किया गया और लालू जी को जेल भेजने का काम किया गया, बेटा को जेल भेजने की तैयारी की गई, पत्नी को जेल भेजने की तैयारी की गई। शर्म आनी चाहिए इस गंदी राजनीति से। कभी रथ लेके निकल पड़ते हो, कभी राम जन्मभूमि का मामला खड़ा करते हो, कभी हत्या करने की बात करते हो, कभी कुछ सगुफा उड़ाते हो, झूठ को बार 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 दोहरा के प्रोपगंडा करके लोगों को बदनाम करते हो। गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा और विरोधी ताकतों का विरोध करके अतिशीघ्र सत्ता से बाहर करना होगा, तब हम सबों की वजूद, आप सबों का वजूद बचेगा, अन्यथा आने वाला समय आप सबों के लिए और भी बुरा है। आने वाला समय विपरीत होने जा रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा जगाने की बात करता हूं, हर कौम जात के लोगों को मैं आईना दिखाने का काम करता हूं। मैं एक चैनल के ऊपर पारदर्शिता की बात करता हूं। मैं दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं आदिवासियों से आज अपील करना चाहता हूं कि लालू यादव और लालू यादव के परिवार ने अब तक हार नहीं मानी, आपकी बात करते रहते हैं, इसकी सजा उन्हें मिली कि बेल को कैंसिल कर बीमार हालत में उन्हें जेल के अंदर में डालते हुए अस्पताल भेजा गया और तलवार तेजस्वी और राबड़ी देवी के सर पर भी लटक रहा है। क्या होगा ये मैं फिर आगे आपको वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सारे वीडियो को देखने का काम करें। मैं बेबाक आपके लिए बोलता हूं, आपको जगाने का काम करता हूं। मत फूट डालने वाले के भ्रम में पड़ो, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और बेकवडो, टूट जाओगे फिर जुड़ न पाओगे। दोस्तों, सदियों से चला आ रहा ये दमन काल को अब बंद कर देना है। दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।